फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, जो बच्चे नॉन एलिजिबल थे यू अपने नीट के एग्जाम में, या जिन स्टूडेंट्स ने क्लास 12 का फॉर्म नहीं फिल किया था, आप सभी लोगों के लिए यूपी में आयुष मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। जैसा कि ACS ने अपने लास्ट के कुछ वीडियोज में बता रखा था, आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म यूपी की जो रिकॉग्नाइज वेबसाइट है DIR आयुष UP NEET.com, उसके ऊपर आपका फॉर्म आ चुका है। सो सभी बच्चे इंडिया के, चाहे किसी भी पार्ट का वो बच्चा हो, इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उत्तर प्रदेश का बच्चा होना चाहिए, वो किसी भी पार्ट के हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो यूपी में BAMS, BHMS और BUMS में सीट लेने के लिए। अगर आपने नीट का एग्जाम भी नहीं दिया है, क्लास 12 में भी हो, तो भी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने पहले से कोई भी लाइक काउंसलिंग नहीं अटेंड कर रखी है या कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, तो भी आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक अच्छी न्यूज़ है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स घबरा रहे थे कि टेस्ट होगा सर, लाइक टेस्ट किस लेवल का होगा, क्या होगा, आप लोग के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि कोई भी टेस्ट नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने कि कोई भी टेस्ट नहीं होगा। आप लोग को क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। प्रॉपर वैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, वहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स डालनी है, इंफॉर्मेशन डालनी है अपनी, और इंफॉर्मेशन डालने के बाद फिर आप वहाँ पे अपने लाइक कुछ आपको तीन उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तीन डॉक्यूमेंट में सिर्फ आपका एक फोटोग्राफ है, बैकग्राउंड में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए, और राइट हैंड के अंगूठे का निशान, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये तीन चीज़ आपको स्कैन करके डाउनलोड करना है और फॉर्म को फिल कर देना है। जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए 2000 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है, और जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये 1000 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म है। जो जनरल नोटिफिकेशन आया है, पहले ये था कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कि यूपी गवर्नमेंट कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, बट इस रूल को रिवाइज कर दिया गया है। और अभी जो आया है आपका जनरल इन्फॉर्मेशन, उसमें ये लाइन है, मेरिट सूची में आए छात्रों के विभिन्न आहत श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउंसलिंग बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जाएगा, काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जाएगा। सो देयर इज नो मोर एग्जाम रिक्वायर्ड। आपने नॉर्मल क्लास 12 किया है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आप लोग को फॉर्म फिल करना है, काउंसलिंग की डेट्स अभी नहीं आई हैं, अभी तो फिलहाल आप लोग को फॉर्म फिल करना है। 26 आज है, 26, 27, 28, 29 और 30, 30 तारीख तक ये फॉर्म फिल होगा। आप लोग फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसमें ऑनलाइन पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग को मैं बता दूँ कि ऑनलाइन पेमेंट आपका फॉर्म फिल करने के 24 घंटे बाद ही लेता है सर्वर, तुरंत आपका ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है इसमें। तो आप लोग इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, प्रॉपर वे से आप लोग काउंसलिंग करेंगे तो आप सभी को सीट मिल जाएगा। और वो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हम लोगों को फ़ोन कर रहे थे, बोल रहे थे कि लाइक सर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, मैं यहाँ पे ले लूँ, वहाँ पे ले लूँ, जैसा आपको ACS ने पहले भी गाइड किया था, किसी के पास अथॉरिटी नहीं है डायरेक्ट एडमिशन लेने की 16 दिसंबर से पहले। तो वैसे ही आपने देखा कि आपको जिसने भी अगर कहीं पर डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है, तो आपने किसी भी कंडीशन से पेशेंस ना करने की वजह से आपने अपने मनी को ब्लॉक कर दिया है, किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी 16 दिसंबर से पहले। सो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन अच्छी तरह से आती हैं तो ये सीट्स जहाँ तक हम देखते हैं कि इसी राउंड में फिल हो जाएंगी। और वो बच्चे जो दूसरे स्टेट्स में ट्राई कर रहे थे, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड में जो ट्राई कर रहे थे, आप लोग की तो वहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फिनिश हो गई है। तो अगर आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है कि अगर आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते हो और आप एडमिशन लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, BMS, BHMS में करना चाहते हो, तो आप लोग इनवाइटेड हो, आप लोग यूपी में आके काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हो, लीगल तरीके से एडमिशन ले सकते हो कि जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी कॉलेजेस अभी क्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि वी कैन गिव द एडमिशन, बट कॉलेजेस किसी को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे हैं। सो आप लोग एक लीगल वे से गवर्नमेंट की काउंसलिंग को अटेंड करो और अपनी सीटों को लो। यहाँ पे जैसे बेसिक हमने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि आपका जो आपकी जो काउंसलिंग होगी उसकी वेबसाइट है यूपी की DIR, डी फॉर दिल्ली, आई फॉर इंडिया, आर फॉर रशिया, DIR आयुष यूपी नीट
com, इसके ऊपर आप लोग जाओगे, इसके ऊपर जाके आप लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे और ऑनलाइन ही पेमेंट करोगे। अगर 30 तारीख तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया तो उसके बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये आखिरी मौका है 2018 में एडमिशन लेने का। तो इसको एक प्रॉपर वे से आप लोग काउंसलिंग करो और आप सभी बच्चों को सीट यहाँ पे मिल जाएंगी यूपी के अंदर, अगर आप सही वे से काउंसलिंग को करते हो। देयर इज नो टेंशन इन दिस थिंग। सो वो सभी बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया था, जो जस्ट क्लास 12 के ऊपर हैं, और अगर ये वो बच्चे जिन्होंने नीट में नीचे के नंबर आए। हाँ, ये जो काउंसलिंग होगी इसमें जो गवर्नमेंट का काम है कि वो सीटों को फिल्टर करेगी, आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगी। ऊपर से बच्चे नीचे की तरफ आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा बीच में जाकर सीट ले सकता है, यही काउंसलिंग का मतलब होता है। काउंसलिंग की जो डेफिनेशन होती है वो होता है फिल्टराइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अच्छे स्टूडेंट को पहले मौका देना। अच्छा स्टूडेंट की डेफिनेशन होती है कि जिसके पास अच्छे एकेडमिक्स हो, सो उनको पहले इसमें चांस मिलेगा, इस तरह से आपको करना है। और जो आपकी काउंसलिंग की डेट्स आएंगी, उस डेट्स में आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग करने के लिए जाना है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ जो आपको लेके जाना रहेगा काउंसलिंग में। आप लोग जो अभी फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद टाइम तो आप लोग को लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, बट जब आप लोग काउंसलिंग करने जाओगे तो सभी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी मार्कशीट्स हो गई, सारी सर्टिफिकेट्स हो गए, वैलिड आईडी प्रूफ हो गया, आपका फोटोग्राफ हो गया, आपकी डोमिसाइल हो गई, आपका बोनाफाइड हो गया। बोनाफाइड अगर स्टूडेंट्स पूछे कि बोनाफाइड क्या होता है, तो बोनाफाइड आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होता है और उसको आपको फॉर्म फिल करना होता है, अलग से आपको बोनाफाइड नहीं बनवाना होता है। और जो प्रमाण पत्र होता है ये भी आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होता है, अलग से नहीं बनवाना होता है। ये सब आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा, बस उसको डाउनलोड करके आप फिल कर लेते हो। इस तरह से आपका घोषणा पत्र जो होता है, इस तरह से आपका घोषणा पत्र होगा, ये सब भी आप वेबसाइट से ही डाउनलोड करोगे। सो इट इज़ वेरी इजी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को किसी भी टाइप का एग्जाम नहीं देना जिससे आप घबरा रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट्स रह गए पूरे इंडिया के लेवल पे, आप लोग के पास एक अच्छा मौका है, लास्ट राउंड मिला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश काफी बड़ा स्टेट है, 52 कॉलेजेस है इसके अंदर, जो कि पूरे यूपी में अलग अलग बड़े बड़े शहरों में है, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, दिल्ली के आसपास, एनसीआर में, उधर बिहार के साइड में अगर आप देखते हो तो पूर्वांचल यूपी हो गया, सेंट्रल यूपी जैसे कि लखनऊ के बीच में हो गया, तो हर साइड में आपके पास अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप जाके एडमिशन ले सकते हो। सो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी, आप लोग जाके फॉर्म को फिल कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर फॉर्म अवेलेबल है। और जो स्टूडेंट्स को लाइक प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास आखिरी मौका है, अगर आप चाहो तो हमारी मेंटरिंग ले सकते हो, हमारी काउंसलिंग की सर्विसेज ले सकते हो। हमसे रजिस्टर्ड होने से आपका ये फायदा होगा कि आप प्रॉपर वैसे 100% कॉलेज में सीट ले पाओगे, इसमें 1% का डाउट नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, और प्रॉपर जेन्युइन रूप से आपको एडमिशन मिलेगा। और हम आपको मदद करेंगे कि इस चीज़ में फिल्टर करने के लिए कि कौन से बेटर इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, और फीस में भी आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हो कि फीस वाइज जो कम कॉलेजेस जिसकी फीस कम है उसमें आप जा सकते हो। सो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक और आपको लाइक एडमिशन चाहिए इसी साल विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो आप ACS में कॉल कर सकते हो, ACS से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम फोन कॉल रिसीव करते हैं, और आप हमारे अगर आसपास में रहते हो तो हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं ऑनलाइन हमारी सर्विसेज लेते हैं, तो आप हमारी मेंटरिंग के अंदर इस काउंसलिंग को कर सकते हो एंड यू विल 100% गेट द सीट। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप काउंसलिंग कर सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसके बाद कोई और मौका नहीं है, ये लास्ट एंड फाइनल चांस है 2018 में अगर एडमिशन लेना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कमर कस लीजिए, जाइए काउंसलिंग कीजिए, सीट आपका इंतजार कर रही है। लगभग 3000 सीटें अभी बच रही है इस राउंड की काउंसलिंग होने के बाद। सो देयर आर प्लेथोरा ऑफ सीट्स। व्हाट यू हैव टू डू गाइस इज ओनली अ प्रॉपर वे ऑफ काउंसलिंग, सही तरीके से काउंसलिंग करें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपसे काउंसलिंग में, तो सीट आपको बिल्कुल मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, आज का इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन मिली उसका। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, कीप स्माइलिंग।